सो गाइस वेलकम बैक अगेन आशीष एडिट। आज की इस वाली वीडियो में आप लोग के लिए टॉप HD बैकग्राउंड लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बैकग्राउंड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन बैकग्राउंड को आपको अनलॉक करना है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करने से पहले आपको पासपोर्ट मिलेगा और वो पासपोर्ट आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट्स को मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है, फिर यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा बैकग्राउंड डाउनलोड करके, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। काफ़ी आसान है, बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, इसके वजह आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ब्राउजर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से एक जिप फाइल दिखाएगा, ठीक है। ये जिप फाइल के अंदर पासपोर्ट है जो कि मैं आपको वीडियो को पहले ही बता चुका हूँ कि पासपोर्ट बीच में मिल जाएगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। अब आपको इस जिप फाइल पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये रहा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के लिए आपको 1 से 2 सेकेंड लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, काफ़ी आसान है दोस्तों। तो और अब आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से फाइल वगैरह को देखने को मिलेगा, जैसे कि हम ओपन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ से हमें फाइल वगैरह दिखे, तो हमें एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, अब एक्सट्रैक्ट में क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको ऐसा फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें कुछ भी मतलब बिल्कुल खाली रहे, ठीक है। तो उसमें आपको आके एक्सट्रैक्ट कर देना है। ओके गाइस, अब आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, हम तो मेन फाइल में एक्सट्रैक्ट किया है, कुछ इस तरह से पासपोर्ट मांगेगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट कर देना है पासपोर्ट डालने के बाद। अब यहाँ से आपको ZF8 फाइल मिल जाएगा, उस ZF8 फाइल में आपको बैकग्राउंड सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो फुल HD बैकग्राउंड। हम आते हैं अनलिमिटेड बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए, आपको क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड ये भी काफ़ी अच्छे इसमें बैकग्राउंड रहता है, मतलब अपलोड करता हूँ मैं खुद की वेबसाइट ही, आशीषedit.com सर्च करना है, उसके बाद यहाँ से आपको सर्च कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट से भी बहुत अच्छी अच्छी फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।